26 जनवरी को आमिर खान देंगे ये सरप्राइज। सामने आई तस्वीरें, आमिर खान फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद नए प्रोजेक्ट में बिजी हैं। लेकिन नया प्रोजेक्ट क्या है, इसका खुलासा आमिर खान ने नहीं किया है। हालांकि आमिर खान ने सोशल मीडिया पर खास वीडियो अपलोड करते हुए ये हिंट जरूर दिया है कि उनका प्रोजेक्ट फैंस के लिए 26 जनवरी का खास तोहफा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान का ये सरप्राइज एक फिल्म है जो सामाजिक मुद्दों पर गहरी चोट करेगी। इस फिल्म का नाम रूबरू बताया जा रहा है। सोमवार को इस प्रोजेक्ट की स्पेशल स्क्रीनिंग आमिर खान ने रखी। इस इवेंट में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे पहुंचे। आमिर खान ने इस प्रोजेक्ट के साथ स्टार प्लस संग हाथ मिलाया है। हाल ही में इससे जुड़े प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज किए गए थे। वीडियो में आमिर खान कहते हुए नजर आए, नमस्कार, 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा लहराने के बाद आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पास एक प्लान है आपके लिए। मैं आपके सामने बहुत खास चीज पेश करना चाहता हूँ। जी नहीं, ये सत्यमेव जयते का नया एपिसोड नहीं है। दिल पे लगेगी तभी बात बनेगी। तो मिलते हैं 26 जनवरी को सुबह 11 बजे। इस प्रोग्राम को आमिर खान प्रोडक्शन और स्टार प्लस मिलकर ला रहे हैं। इवेंट में पहुंची दंगल गर्ल सानिया मल्होत्रा, तापसी पन्नू अलग अंदाज में इवेंट में नजर आईं। स्वरा भास्कर इवेंट में आमिर खान का सपोर्ट करने पहुंची। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन सफेद ड्रेस में इवेंट में नजर आईं। बॉलीवुड में इन दिनों अपनी अदाकारी और यादगार किरदारों की वजह से चर्चा में रहने वाले पंकज त्रिपाठी इवेंट में आए। बीते दिनों पंकज त्रिपाठी एक एंड में आमिर खान संग नजर आए थे। आमिर खान के नए प्रोजेक्ट का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। हालांकि उनकी पिछली फिल्म ठग्स के फ्लॉप होने से फैंस को बहुत निराशा हुई थी।